हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आगरा का किला घूमेंगे, जो कि इंडिया में जो भी किले हैं उनमें से वन ऑफ द बिगेस्ट है ये। तो बाहर से ये लाल पत्थर का बना है, अंदर से काफ़ी खूबसूरत है, वाइट मार्बल के पैलेसेस बने इसमें। चलिए इसको एक्सप्लोर। किले का मेन एंट्रेंस है, हम लोग बाहर खड़े हैं और हमारे साथ यहाँ के लोकल गाइड हैं। और क्या नाम है सर आपका? शाहिद नाम है सर मेरा। हाँ शाहिद जी, थोड़ा बताइए इस किले के बारे में। ये सर आगरा फोर्ट है, इसको 1565 में अकबर ने बनाया था। हाँ जी, अकबर के बाद में उसके बेटे जहांगीर ने बनाया, जहांगीर के बाद में शाहजहां ने, शाहजहां के बाद में औरंगजेब। पूरा फोर्ट 95 ईयर्स में बनाया, ये चार मुगल ने बनाया। उसका एरिया टोटल है 153 एकड़, और उसमें दो दीवारें हैं और दो मोड है। एक बाहर देखें क्रोकोडाइल का मोड है, क्रोकोडाइल और एलिगेटर्स हुआ करते थे, पानी से भरा हुआ था। एक 40 फीट का दीवार है बाहर वाला, 70 फीट के अंदर है। दीवारों का डिजाइन है, मेटल मेंटेन डिजाइन है। इसके पीछे गार्ड्स वगैरह खड़े हुआ करते थे, तीर कमान वगैरह। चलिए फिर इसको एक्सप्लोर करते हैं, अंदर चलते हैं। तो आज मैं आगरा शहर में हूँ, ये आगरा का फोर्ट है और ये किले का मेन एंट्रेंस है, जिसका नाम है अमर सिंह गेट। ये किले की टिकट विंडो है, जो कोरोना की वजह से भी बंद है, तो यहाँ पर ये ऑनलाइन टिकट मिलता है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है इस बिल्डिंग के लोग आपसे के लिए, और ये ऐसे क्यू आर कोड स्कैन करके आप टिकट निकाल सकते हैं। इंडियन का टिकट इसका 45 रुपये है, 45 रुपीज़, और फॉरेनर का है 600 रुपया, 600 रुपया। तो इस किले का नाम आगरा फोर्ट है और इसको अकबर बादशाह ने 1565 में बनवाया था, अकबर जो कि तीसरा मुगल बादशाह था। और किले के चारों तरफ ही पानी वाली खाई बनी है, सी वाटर मोड कहा जाता है। उस टाइम में इसमें क्रोकोडाइल्स एलिगेटर्स हुआ करते थे किले की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। एक चीज़ और है किले की सेफ्टी के लिए, ये वुडन ड्रॉब्रिज है, कहा जाता है कि दुश्मन के आने पर इसको खोल दिया करते थे, और इसके नीचे होती थी पानी वाली खाई, जिसमें थे क्रोकोडाइल्स एलिगेटर। ये इस किले का मेन गेट है, जिसका नाम है अमर सिंह गेट। ये इस किले का सेकंड गेट है, इसको अकबरी गेट भी बोलते हैं, और काफ़ी शानदार व्यू है इस किले का बाहर से ही, अंदर से तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं, और जैसे ही हम आगे जाएंगे इसका तीसरा गेट आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे कि काफ़ी अच्छा मोज़ेक वर्क हो रहा है। ये देखिए बहुत अच्छी सनलाइट है आज, और ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं है, तो आपको व्यू अच्छा मिलेगा। ये आप मोज़ेक देखिएगा इसकी, ये बताते हैं कि इसकी जो मोज़ेक की टाइल्स सारे ईरान से आए थे, और जो भी कुछ आप यहाँ देख रहे हैं 450 साल पुराना है। चलिए आगे चलते हैं, किले का मेन गेट है ये। इसके लिए का एक गेट और है, जिसका नाम दिल्ली गेट है, उसको भी आर्मी यूज़ करती है, क्योंकि किले का जो 75% हिस्सा है वो भी आर्मी के पास है, और हम लोग सिर्फ 25% ही दे सकते हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा है। तो कुछ काम चल रहा है पर रेस्टोरेशन का, ASI यहाँ पर काम कराती रहती है। ये इस फोर्ट का पहला पैलेस है, जिसको बोलते हैं जहांगीरी महल, जिसको अकबर बादशाह ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनाया था। इसका पहला नाम सलीम था, तो आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस कहानी है, स्टोरी है सलीम और अनारकली की। जैसे मैंने आपको बताया था, इसके लिए अकबर ने शुरू किया था 1565 के अंदर। तो काफ़ी कुछ काम अकबर ने करवाया था लाल पत्थर से, जो कि लोकल स्टोन है, और यहाँ से 40-50 किलोमीटर की जगह है फतेहपुर सीकरी भरतपुर, ये सारा पत्थर वहीं से आता था। और इस महल के सामने आप देखेंगे, यह है जहांगीर का स्नान कुंड, जहांगीर बाथटब। ये जहांगीर बादशाह के नहाने का प्याला है, जिसकी गहराई 5 फीट है, वज़न है 7 टन, दोनों साइड में सीढ़ी बनी है अंदर और बाहर जाने के लिए। बादशाह इसमें गुलाब जल से नहाया करते थे। उसके पीछे आप देख रहे हैं 75% ये सब आर्मी के पास है। ये किले की वॉल है, जिसकी ऊँचाई है 21 मीटर, यहाँ पर सब सिक्योरिटी गार्ड सोल्जर्स हुआ करते थे इस किले की सेफ्टी के लिए। तो अभी हम जहांगीर महल के अंदर चलते हैं, उसको देखते हैं कि जहांगीर बादशाह और उनकी हिंदू रानी मानबाई इस किले को कैसे, इस पैलेस को कैसे यूज़ करते थे। हम लोग अंदर जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी डिटेल में वर्क किया गया है यहाँ पर, सब हाथ की नक्काशी है। तो इसका कोर्टयार्ड है पैलेस का, जहाँ पर डांस के शो हुआ करते थे उस ज़माने में, या बादशाह की रानियाँ बैठती थी। और उसके दूसरे हिस्से ये रूम से बताते हैं, लाइब्रेरी है जहांगीर की, जहांगीर को किताबें पढ़ने का काफ़ी शौक था। ये उसका बेडरूम है, ये इसकी हिंदू रानी का मंदिर है, और इस साइड में जो आप देखेंगे ये अलग सेक्शन है, ये हुआ करता था उनका डाइनिंग हॉल। ये सारा हैंड वर्क है, जो कि करीब 450 साल से भी ज़्यादा पुराना है, हाथ की नक्काशी है, सिर्फ हैमर और चीज़ल का इस्तेमाल किया गया था।
और ये जो है ये इसकी हिंदू रानी का मंदिर है। इसको अंदर से देखते हैं। जहांगीर और अकबर ने हिंदू प्रिंसेस से शादी की थी, कभी उनको फोर्स नहीं किया मुस्लिम बनने के लिए। इनफैक्ट उनके लिए मंदिर बनवाया जहाँ पूजा करती थी, ये सब गॉड फिगर्स हुआ करते थे उनकी पूजा करने के लिए। यहाँ भी काफ़ी अच्छा वर्क है, आप सब सीलिंग देख सकते हैं। यह है जहांगीर बादशाह की लाइब्रेरी, यहाँ पर पेंटिंग का वर्क है, सेक्शन में किताबें रखा करते थे। ये देखिए ये सब पर्शियन पेंटिंग है, मैं आपको सारी डिटेल दूंगा यहाँ पर, जो भी देखने वाली चीज़ें हैं, वर्कमैनशिप कार्विंग है, ताकि आप घर बैठे एक तरीके से वर्चुअली इस पूरे किले को घूम सकें। अभी आपको यहाँ से ताजमहल का व्यू दिखेगा, तो थोड़ा धुंध है इसलिए ताजमहल क्लियर नज़र नहीं आ रहा, मैं आपके लिए तो जूम करता हूँ उसको ताकि आप देख सकें। तो ताजमहल है और उसके पास है नदी यमुना। ये दोनों ही बिल्डिंग ताजमहल और किला यमुना नदी के राइट बैंक पर बने हैं। तो हमने ये जहांगीर का महल देखा जो पूरा लाल पत्थर का बना है। अभी तो हम इसका दूसरा पैलेस देखेंगे, इसको बोलते हैं शाहजहानी पैलेस। और लोकल गाइड ने बताया हमें कि उसको समर पैलेस भी बोलते हैं। तो क्यों उसको बोलते हैं समर पैलेस, आइए देखते हैं। तो ये बादशाह का समर पैलेस है, उसकी वजह यह है कि इस महल की जो दीवारें हैं अंदर से खोखली हैं। अभी आपको नहीं दिखा गया इसे, लेकिन गाइड ने जो हमें बताया है, उन दीवारों के बीच में भूसा भरते थे, ठंडा पानी भरते थे, तो उससे क्या ये कमरे ठंडे हो जाया करते थे। और अभी भी लिटरली ये रूम जो है जहाँ पर मैं हूँ काफ़ी ठंडा है, क्योंकि इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और गाइड ने हमें ये भी बताया कि एक विंडो है जिसको मैजिक विंडो भी बोलते हैं, वो एयर सर्कुलेशन, हवा के वेंटिलेशन की तरीके से काम करता है। ये वाली विंडो है, ये देखिए, तो ये अंदर से ओपन है, खुली है। लोग बाहर जाएंगे तो बाहर से विंडो बंद हो जाएगी, ये देखिएगा, ये देखिए सेम विंडो है, बंद हो गई। तो ये सब हवा के एयर सर्कुलेशन के लिए। इस कॉर्नर में इंटरेस्टिंग चीज़ और है जिसका इस किले से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर रखी है क्योंकि इसको अंग्रेज़ लोग लाए थे अफगानिस्तान से, और उसको इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद यहीं छोड़ गए। इसको बोलते हैं गजनी गेट। ये महमूद गजनवी की समाधि का गेट है जो अंग्रेज़ लोग काबुल से लाए थे। तो गाइड ने बताया करीब 1000 साल पुराना है, ये हिस्टोरिकल है। ये देखिए, इसको बोलते हैं गजनी गेट, जो उसका नाम है। कुछ लोग उसको सोमनाथ गेट भी बोलते हैं। उसके पीछे कहानी ये है कि अंग्रेज़ों के मुताबिक ये वो गेट है जो महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर से लूट कर ले गया था। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने जो रिसर्च किया उसके मुताबिक ये एक उसकी समाधि का गेट है। तो ये थोड़ा डिस्प्यूट है, किसी को नहीं मालूम कि इसकी समाधि का गेट है या सोमनाथ के मंदिर का गेट है। जो भी है, ये आपने देखा इस कॉर्नर में रखा है। अभी जो आप देखेंगे सारा इसके बाजू में ही सारा वाइट मार्बल का सेक्शन है, ये वाइट मार्बल का, ये सब शाहजहाँ ने बनाया था, क्योंकि शाहजहाँ मार्बल प्रेमी था, उसको मार्बल पसंद था। और सारा मार्बल आता था राजस्थान के मकराना शहर से, जो कि यहाँ से करीब 400 किलोमीटर दूर है। ये शाहजहाँ की बेटी का महल बताते हैं, जिसका नाम तो रोशन आ रहा, जिसका कि जो शेप है पालकी बना हुआ है, पालकी शेप है। और ये भी बोलते हैं इसकी छत पर सोना लगा था, जो अंग्रेज़ों ने सोना हटा के यहाँ पर पीतल लगा दी। ये देखिए, ये है रोशन आरा पैलेस। यहाँ से भी आपको ताजमहल का व्यू नज़र आएगा, ये देख सकते हैं। और नीचे देखिए, अब थोड़ा काम चला है रेस्टोरेशन का, नदी का व्यू है, रेलवे ब्रिज है, वाटर मोट है, पानी वाली खाई जिसमें मैंने आपको बताया था उस टाइम ज़माने में क्रोकोडाइल्स एलिगेटर्स हुआ करते थे सेफ्टी के लिए। और ये ड्राई मोड बताते हैं इसमें होते थे जंगली जानवर। यानी कि इस किले की सेफ्टी के लिए दो खाइयाँ हैं, पानी वाली खाई, सूखी खाई, और दो दीवार हैं बाहर वाली और दूसरी अंदर वाली, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, जिसकी ऊँचाई है करीब 21 मीटर 70 फीट। अभी हम आगे जा रहे हैं, आगे हम देखेंगे शाहजहाँ और मुमताज़ का बेडरूम। तो काफ़ी बड़ा बेडरूम है, आप इमेजिन करें दो लोग गिर रही हैं। और यहाँ पर गाइड ने बताया कुछ अलग तरह का वर्क हुआ करता था, यहाँ पर होती थी गोल्ड की पेंटिंग, यानी कि सोने को पिघला कर उसका कलर बना के इस पूरे पैलेस की आर्चेस पे, छत पर और दीवारों पर पेंट किया गया। ये गोल्ड पेंटिंग कुछ इस तरीके से हुआ करती थी, जो कि अभी ये नया वर्क है, ये टूरिस्ट के आइडिए के लिए कि आप देख सकें उस ज़माने में गोल्ड पेंटिंग कैसी लगती थी, लेकिन सिर्फ गोल्ड कलर है। तो यहाँ से आप देखिएगा, ये आपको पूरा व्यू नज़र आएगा शाहजहाँ मुमताज़ के बेडरूम का, जिसको शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए बनाया था, और उसी शाहजहाँ ने ताजमहल को बनाया मुमताज़ की डेथ के बाद।
ये बेडरूम के बाहर का सेक्शन है। तो अभी सारा कुछ वाइट मार्बल का है, लाल पत्थर का आपको कुछ नहीं दिखेगा, सब कुछ चेंज हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि किला काफ़ी खूबसूरत बना है अंदर से। बेडरूम के सामने फाउंटेन लगे हैं जो भी काम नहीं करते हैं। उस ज़माने में बताते हैं गुलाब जल के फाउंटेन चलते थे। ये तीनों साइड में बादशाह की जो रहल होती थी मिस्ट्रेसेस, उनके रहने के क्वार्टर्स हैं जिनको बोलते हैं हरम क्वार्टर्स। कुछ राजाओं के बताते हैं कि 300 से 400 मिस्ट्रेसेस हुआ करती थी। और ये भी बोलते हैं कि बादशाह को इतना आसानी से उनके नाम याद नहीं होते थे, तो बादशाह ने एक सलूशन निकाला था, वो उनको नंबर दे दिया करता था। तो नंबर के मुताबिक नंबर एक नंबर दो मिस्ट्रेसेस को बुलाया जाता था बादशाह के बेडरूम में। और ये अंगूर का बाग है, इसको अंगूरी बाग बोलते हैं, यहाँ पे अंगूर की खेती होती थी और बादशाह के लिए राजा के लिए इसे शराब बनती थी। बताते इस गार्डन की, इस अंगूरी बाग की मिट्टी कश्मीर से आई थी ताकि अंगूरों को अच्छी तरीके से उगाया जा सके। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये, जैसे मैंने आपको बताया अभी, अब लोग 70 फीट की हाइट पर खड़े हैं, 70 फीट की हाइट पर सब पैलेसेस बनाए गए हैं और गार्डन बनाए गए हैं यहाँ पर, और हर फैसिलिटी हुआ करती थी उस टाइम में यहाँ। अभी आपको बताएंगे शीश महल, ये देखिए अभी बंद है, अंदर नहीं जा सकते, लेकिन बाहर से आप इसका व्यू देख सकते हैं। एसआई ने इसको बंद कर रखा है, इसमें रेस्टोरेशन काम होना है, तो उसको शीश महल इसलिए बोलते हैं, इसमें पूरा शीशे का वर्क किया गया है। बताते हैं ये शाहजहाँ मुमताज़ के नहाने का बाथरूम है, और एक कैंडल के जलने से इसमें हज़ारों कैंडल्स दिखती थी, रिफ्लेक्शन दिखता था चमचमाते तारों की तरह। इसमें ये बाहर वाला टैंक है ठंडे पानी का, अंदर गर्म पानी का है, और इसके जो शीशे हैं सारे वो ज़माने में सीरिया से आए थे। शीश महल के ही पास में एक ये जगह है जो कि बंद है अभी, और शायद आपको अंधेरा है नहीं दिखेगा। गाइड ने हमें बताया कि ये सीढ़ियाँ गई हैं नीचे, तो ये अंडरग्राउंड रास्ता है उस ज़माने में नदी में जाने के लिए। राजा जाते थे अपनी वाइफ के साथ में नदी में बोट राइड करने के लिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये देखिए ये शाहजहाँ की दूसरी बेटी का महल है जिसका नाम था जहानारा। ये जहानारा पैलेस है, जहानारा रोशनारा दोनों ही पैलेस एक से हैं, सिमेट्रिकल हैं, पालकी शेप बने हैं। ये सब राजस्थानी स्टाइल है, पालकी शेप। ये शाहजहाँ का बेडरूम है। और जहानारा पैलेस के ही पास में एक और जगह है, सबसे खूबसूरत महल है इस किले का, उसको बोलते हैं जैस्मीन टावर। इस महल के कई नाम हैं, जैसे एक नाम ये भी है मुसम्मन बुर्ज, जैस्मीन टावर भी इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फाउंटेन के पास में आप देख सकते हैं जैस्मीन फ्लावर्स का काम है। इसको नूर महल भी बोलते हैं और उसको शाह बुर्ज भी बोलते हैं। इस महल के बारे में दो चीज़ें हैं, पहला इसका वर्कमैनशिप, ये सारे कीमती पत्थर लगाए गए मार्बल के अंदर, इसको बोलते हैं पच्चीकारी और मार्बल इनलेट वर्क। पहले चीज़ों से मार्बल को डिग आउट किया जाता है, करीब 2.5 मिलीमीटर को ये सारे पत्थरों को लगाया जाता है। सारे स्टोन्स हैं, जैसे कि ब्लू वाला आप देख रहे हैं टर्कवाइज, ये लाल वाला आप देख लेंगे, ये दूसरा कीमती पत्थर है जो कि लाइट पड़ने पे ग्लो कर, और उसको बोलते हैं कर्निलियन। ऊपर आप देखेंगे डार्क ब्लू है जो कि कहलाता है लैपिस, ये आता था अफगानिस्तान से। एक ग्रीन पत्थर है, इसको बोलते हैं टर्कवाइज। सारे कीमती पत्थरों का काम किया गया है इसके अंदर, और ताजमहल में भी सेम वर्क है क्योंकि दोनों जगहों को शाहजहाँ ने बनाया था। फाउंटेन है जैस्मीन टावर का, तो ये वही जगह है जहाँ पे शाहजहाँ को उसके अपने ही बेटे औरंगजेब ने 8 साल के लिए कैद किया था, 1658 से 1666। और यहीं से वो ताजमहल देखते थे अपनी वाइफ मुमताज़ की याद में। यहीं पर शाहजहाँ का डेथ हुआ था 1666 में, जब उसकी एज थी 74। तो यहाँ से डेथ हो जाने के बाद उसको ताजमहल में बरीड किया गया उसके बेटे औरंगजेब ने। कैद करने का रीज़न ये है कि शाहजहाँ बादशाह, ऐसा बोलते हैं कि वो काला ताजमहल बनाना चाहते थे अपने ख़ुद के लिए, जबकि उन्होंने वाइट बनाया बेगम मुमताज़ के लिए। तो वाइट ताजमहल का जो खर्चा था उस ज़माने में 40 करोड़ रुपया, यानी ब्लैक ताजमहल को बनाने में 160 करोड़ रुपये खर्च होने वाले थे, क्योंकि ब्लैक मार्बल वाइट मार्बल से 4 गुना महंगा था। तो ये वजह थी कि औरंगज़ेब ने अपने फादर को यहाँ पर कैद किया, कि वो नहीं चाहता था कि कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा खर्च किया जाए, वरना पूरा मुगल एम्पायर बैंकक्रप्ट हो जाए। दूसरी, औरंगज़ेब खुद राजा बनना चाहता था, तो शाहजहाँ को कैद किया, अपने फादर को और तीनों भाइयों को दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद को मार दिया और ख़ुद राजा बन गया। तो यहाँ पर शाहजहाँ कैद किया था इस जगह पर। यहीं पर शाहजहाँ के ताजमहल देखने के लिए एक दीवार में डायमंड लगा था, ताकि वो ताजमहल का रिफ्लेक्शन डायमंड में देख सकें, क्योंकि शाहजहाँ की आई सेट वीक हो गई थी। तो फिर से आप देख सकते हैं ताजमहल का व्यू आपको यहीं से देखेगा, और ये वो जगह है, ये दूसरा हिस्सा है, दूसरा पार्ट है जैस्मीन टावर का, जहाँ पर शाहजहाँ को कैद किया था, यहीं से वो ताजमहल देखते थे।
तो दोस्तों आगे चलते हैं, गाइड ने हमें एक और सीक्रेट टनल बताई है, ये वाली ये भी बंद है। तो बताते हैं कि इनसे शाहजहाँ बादशाह अंडरग्राउंड जाते थे और ताजमहल जाते थे अपनी, जब उनको कैद किया था यहीं से जाते थे वो ताजमहल पर अपनी बेगम की कब्र देखने के लिए हर फ्राइडे वाले दिन। तो काफ़ी सारे टनल्स हैं, बेसमेंट हैं, अंडरग्राउंड रास्ते हैं, तहखाने हैं, पूरा किला मिस्ट्री से भरा हुआ है, काफ़ी बड़ा फोर्ट है। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जगह बंद हैं तो नहीं देख सकते, जैसे कि मस्जिद है, बहुत ही छोटी सी प्यारी सी मस्जिद है, ये भी बंद है अभी, इसको मीना मस्जिद बोलते हैं, शाहजहाँ सुबह नमाज़ पढ़ने आते थे। और यहाँ से आगे चलेंगे तो दूसरा सेक्शन है, यहाँ पर होता था मुग़लों का फेमस बाज़ार जिसको बोलते हैं मीना बाज़ार। नॉर्मली ये बाज़ार सिर्फ लेडीज़ के लिए था, लेडीज़ यहाँ पर आती थी फ्राइडे वाले दिन शॉपिंग करने के लिए। और जो आर्चेज आप देख रहे हैं पूरा, ये मीना बाज़ार की शॉप्स हैं, दुकानें हैं। तो मुग़लों ने जहाँ जहाँ किले बनाए वहाँ उन्होंने रॉयल फैमिली के मार्केट बनाया मीना बाज़ार, और ये इतना फेमस हुआ कि काफ़ी सारी मूवीज़ में इसका जिक्र है, इसके नाम पे सॉन्ग हैं, अभी भी लोग लोकल मार्केट बनाते हैं उसका नाम रख देते हैं, फेमस हो गया इसलिए मीना बाज़ार। एक दूसरी बिल्डिंग है, इसको बोलते हैं दीवान ख़ास। तो काफ़ी सारे किले हैं दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में भी, और भी जगह जहाँ पे आपको दो बिल्डिंग ज़रूर देखने को मिलेंगी, दीवान ख़ास और दीवान आम। दीवान ख़ास ख़ास लोगों की बिल्डिंग होती थी राजा की, और दीवान आम में जहाँ वो राजा पब्लिक की फरियाद सुना करते थे। तो ये दीवान ख़ास है, यहाँ पे एक काला पत्थर रखा है जिसको जहांगीर का तख्त और थ्रोन बोलते हैं, ये भी करीब 400 साल से ज़्यादा पुराना है। बादशाह यहाँ बैठते थे राजा, और सामने उनके वजीर बैठते थे प्राइम मिनिस्टर। यहाँ से भी आपको ताजमहल का व्यू दिखेगा, और यहाँ से भी आपको वो जगह नज़र आएगी जहाँ पर शाहजहाँ को कैद किया था, काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आएगा यहाँ से आपको। तो पूरा ये दीवान ख़ास है क्योंकि वाइट मार्बल का है, ये बताते हैं कि ब्लैक मार्बल है, कुछ लोग उसको कसौटी भी बोलते हैं, जैसे कि सोने की परख होती है कसौटी पत्थर, तो राजा का ओरिजिनल थ्रोन है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, दूसरी बिल्डिंग देखते हैं। मैं अननेसेसरी चीज़ों को नहीं डाल रहा हूँ वीडियो में ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो, तो ज़रूरी चीज़ें हैं देखने लायक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वही मैं मेंशन कर रहा हूँ आपके लिए। काफ़ी टूरिस्ट हैं इस वक्त यहाँ पर, लोग घूमने आते हैं, देश से ही नहीं विदेश से भी काफ़ी लोग घूमने आते हैं, क्योंकि ये जो किला है ये यूनेस्को लिस्टेड मॉन्यूमेंट है। यहाँ से भी आपको बहुत अच्छा व्यू है दिखेगा मीना बाज़ार का, ये देखिए सिमेट्री में सारे पिलर बनाए गए हैं, आप एक पिलर के पीछे खड़े हो जाएं तो बाकी पिलर आपको नज़र नहीं आएंगे, ये देखिए। तो बताते हैं इसका जो चीफ आर्किटेक्ट था वो कासिम खान था, अफगानिस्तान से, सॉरी ईरान से। काफ़ी वर्कर्स टर्की और अफगानिस्तान ईरान से थे, लेकिन मेजोरिटी जो वर्कर्स थी वो इंडियन थी, यानी इंडियन वर्कर्स ज़्यादा थे यहाँ पर इसको बनाने के लिए। ये दीवान ख़ास का व्यू है, और दीवान ख़ास के बाद जाएंगे हम दीवान आम, यहाँ से ये देखिए तो भूलभुलैया टाइप का है, लेबरिंथ है यहाँ पे। मेरी वीडियो से एक चीज़ तो हो ही जाएगी कि आपको जब भी आप देखने आएंगे तो आपको ऑलरेडी पता रहेगा कि यहाँ पे क्या देखना है, कैसे जाना है। ये देखिए सबसे बड़ी बिल्डिंग है इसके लिए की, जिसका नाम है दीवान आम। ये एक ऐसा पार्ट था इसके लिए का जहाँ पे लोग आ सकते थे इसी जगह पर अपनी फरियाद और प्रॉब्लम लेकर, और यहाँ राजा बैठते थे बालकनी में पब्लिक की फरियाद सुनने के लिए, नीचे वज़ीर की सीट है प्राइम मिनिस्टर की, और यहाँ पर सब पब्लिक बैठती थी। ये देखिए तो दीवान आम इसको बोलते हैं, सेम स्ट्रक्चर आपको रेड फोर्ट दिल्ली वाले में मिल जाएगा। मैं आपको इतनी बड़ी बिल्डिंग है कि आपको पूरा व्यू नज़र नहीं आएगा, तो मैं थोड़ा आपको बाहर से इसका दिखाऊंगा। यहाँ पे कुछ काम चल रहा है रेस्टोरेशन का, और यहाँ से आपको दीवान आम का व्यू नज़र आएगा। ये देखिए काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, पीछे मस्जिद है वाइट मार्बल की, मोती मस्जिद, जो कि बंद है, इसमें भी काम चल रहा है। और ये देखिए एक तोप है जो रिसेंटली मिली है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, वाटर मोट में दबी थी ये मर्ड के अंदर, जब उन्होंने वहाँ पर रेस्टोरेशन काम किया था उनको मिली वहाँ पर ये। उस पर जो सिंबल है उससे पता चलता है कि ब्रिटिश टाइम की है, ना कि मुगल टाइम की। देखिए सिंबल है क्राउन का, और इस पर कुछ VR लिखा है, इसका मतलब शायद विक्टोरिया रजाइना ऐसा कुछ है। तो ये अंग्रेज़ों के टाइम की तोप है, यहाँ से आपको बिल्डिंग अभी भी देखेगा। दीवान आम के सामने ही बाहर ये कोर्टयार्ड में एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, गाइड ने बताया कि अंग्रेज़ की कब्र है जिसका नाम था जॉन रसल कॉलविंस, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर इसकी डेथ हो गई थी 1857 में, जैसा आपको मालूम है एक सिपाही मिटनी जो हुई थी 1857 वाली, जिसको अंग्रेज़ सिपाही मिटनी बोलते हैं, लेकिन
ये पहली लड़ाई थी इंडिया की आज़ादी के लिए, तो उस दौरान उसकी डेथ हो गई थी, उसको यहीं पर उसकी टूम बना दी गई। यहाँ से भी दीवान एम का और पूरे कंपाउंड का व्यू नज़र आएगा। तो दोस्तों यकीन मानिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फोर्ट है, बहुत ही शानदार किला है, आप ज़रूर आइए। और आगरा शहर जो है वेल कनेक्टेड है, ट्रेन से बस है, तो आप आराम से यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं और ज़रूर इस किले को विज़िट कीजिए। देखिए जहाँ से हमने शुरू किया था लोग वहीं पहुँच गए हैं, यानी कि जहांगीर महल के सामने अभी मैं पहुँचने वाला हूँ। उससे पहले आप एक जगह वो देख सकते हैं, ये बालकनी बनी है दोनों साइड में जिसको बोलते हैं नौबत खाना और वेलकम गेट। तो बोलते हैं कि बादशाह के आने जाने पे म्यूजिशियंस ड्रम बजाते थे, जैसा आपने सुना होगा मूवीज़ में बायदा बा मुलाहिजा इस तरीके से, तो ये सब वो है। तो देखिए जहाँ से शुरू किया था हम लोग वहीं आ गए हैं जहांगीर का महल। तो पूरा काफ़ी कुछ है, ये करीब हाफ किलोमीटर एरिया है जो हमने वॉक किया, यहाँ से देखिए शुरू किया था।